Hello everyone, my name is Chitransha. I am from Bharti College, BIT Roop. Today my topic is microcomputer. आज हम microcomputer के बारे में discuss करेंगे. पहले वीडियो में हमने देख चुके हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके जनरेशन क्या होते हैं. तो जब हमने कंप्यूटर जनरेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि कंप्यूटर का जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया था तो उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसे हटाते या फिर उसमें कुछ नए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते करते उनमें कुछ चेंजेस आए थे. उस चेंजेस को हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं. और जब उन जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे उनके आकार में भी चेंजेस हुए थे और उनके जो टेक्नोलॉजी थे उनमें भी चेंजेस हुए थे. तो उसके आधार पर कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है. तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के बहुत से टाइप्स होते हैं. जैसे हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर को हम साइज के अकॉर्डिंग भी चेंज बोल सकते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग वह चार टाइप्स के होते हैं. और बोलेंगे तो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग भी और उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब किया गया है. या फिर हम बोल सकते हैं कि उन्हें डिवाइड किया गया है उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनके पर्पस के अकॉर्डिंग और उनके साइज के अकॉर्डिंग. तो हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर को हम देखते हैं कि यह कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग इसका नाम हुआ है. तो कंप्यूटर में हम देखेंगे या माइक्रो कंप्यूटर में यह क्या होता है. हम पर्सनल कंप्यूटर को ही क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं. क्योंकि हम पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हम आजकल जनरली पीसी कहा जाता है. इस कंप्यूटर का निर्माण समय की जरूरत के कारण हुआ था. पहले के कंप्यूटर क्या होते थे, आकार में बहुत बड़े होते थे जिसके कारण वो पोर्टेबल नहीं थे. हम उसे इजिली अपने डेली वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते थे. उसे हम अपने जनरल पर्पस वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते थे. उसे सिर्फ स्पेशल वर्क के लिए या फिर उसका साइज इतना बड़ा होता था और उसके जो लैंग्वेज थे उसमें इतनी डिफिकल्टीज थी कि उसके लिए एक हमें ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी. और उसके जो कनेक्टिविटी में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती थी उसे भी हम रिसॉल्व नहीं कर सकते थे इजिली. तो ये सारे ड्रॉबैक्स को हटाते हुए पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हुआ. पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रोचिप लगा होता है. तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता था, जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो आकार में भी बहुत बड़े होते थे और धीमे होते थे वर्क में और कम रिलायबल होते थे. तो उससे भी बुरा यह बात था कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी और हम जनरल पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर सकते थे या फिर हम उसे अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले जा नहीं सकते थे. समय के साथ क्या हुआ, कंप्यूटर के आकार में कमी होती गई, हम उसे धीरे धीरे छोटा करते गए और उनकी ताकत भी बढ़ती गई जैसे और उनकी कीमत भी जो उसका कॉस्ट भी था वह भी कम होते गया. और कुछ नई टेक्निकों का यूज किया गया जिसके कारण उनकी कीमत भी घटी और बड़ी बड़ी कंपनीज के खरीदने के लायक हुआ और उसके साथ साथ में हम जनरल पर्पस के लिए अपना यूज कर सके. तो देन ईयर 1970 के बाद समय में माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया जिसके कारण माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ. ये आकार में बहुत छोटे होते थे परंतु इनकी जो स्पीड होती थी या फिर इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी और इसका जो स्पीड था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा थी. और इनकी कीमत भी क्या थी, बहुत ही कम थी. और मध्यम श्रेणी की कंपनीज या फिर जो छोटे कंपनीज होते थे वहाँ भी इसको खरीद सकते थे. और इसे हम नॉर्मल यूज के लिए या फिर जो नॉर्मल पीपल्स थे वो भी क्या कर सकते थे, इसे खरीद सकते थे. यह कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर के निर्माण से हमें या फिर जो नॉर्मल ह्यूमंस थे उन्हें क्या हुआ, बहुत ही ईजी हुआ काम करने में और इसकी कीमत कम होने के कारण इसे कोई भी खरीद सकता था. इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सन 1981 में ईयर 1981 में पर्सनल कंप्यूटर बनाने की घोषणा की. उसको IBM PC कहा गया और इसका आकार सबसे छोटा था. इसे हम एक मेज के एक कोने में रख कर वर्क कर सकते थे. उस समय इसकी क्षमता या शक्ति कम थी, मींस इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वह क्या था, थोड़ा कम था. लेकिन यह कंप्यूटर केवल कंप्यूटर के शौकीन के लिए बनाया गया था. उसके बाद इतना पसंद आया वह कि सभी कंपनी ने पीसीज बनाने के लिए
स्टार्ट कर दिया और इसके साथ ही इनकी इनकी ताकत भी बढ़ने लगी और इससे पीसी का एक्सटेंशन होने लगा, जैसे इसमें PCXT बना और PCAT का निर्माण हुआ। पर्सनल कंप्यूटर में, या फिर हम बोल सकते हैं जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ या जब कंप्यूटर को बनाया गया उसमें चेंजेस आते गए, तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या यूज होता था? पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होते थे? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे? साइज में भी बड़े होते थे और कॉस्ट में इसका महंगा था। फिर नेक्स्ट, फिर सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कि उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब से आकार में छोटे भी थे और उनका जो वर्क स्पीड था या फिर उनका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वह वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक था। या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 1000 वैक्यूम ट्यूब्स का वर्क सिंगल एक ट्रांजिस्टर कर सकता था, तो इससे क्या हुए? वैक्यूम ट्यूब्स की संख्या के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिस्टर्स का कम यूज करने लगे। मीन्स ट्रांजिस्टर हम बड़े पैमाने में यूज करते थे लेकिन उसे हम रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। तो ट्रांजिस्टर से क्या हो गए, उसकी संख्या या उसके नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर थे या फिर जो टाइम जो लिए जाते थे डिवाइसेस वह कम हो गए। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि उसमें क्या आया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर और चिप्स का यूज होने लगा। तो चिप्स में क्या होते थे, चिप्स में क्या थे कि वो एक छोटे से चिप में सारे ट्रांजिस्टर्स को हम या फिर जितने ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे उसे एक चिप के फॉर्म में हम देख सकते हैं उसमें जनरेट होने लगा। देन माइक्रो प्रोसेसर में क्या होने लगा कि वह चिप के में या फिर जितने इसमें ट्रांजिस्टर जो यूज हो रहे थे उसे एक चिप के फॉर्म में तैयार कर सकते थे, एक छोटे से चिप में, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। माइक्रो प्रोसेसर का आकार बहुत छोटा था, उसमें आवश्यकता के अनुसार ट्रांजिस्टर्स को हम एक छोटे से कोने में यूज करके रख सकते थे और एक छोटे से चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को रख सकते थे। और फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने के कारण जो उसके द्वारा जो कंप्यूटर्स बने उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर उनके माइक्रो का प्रोसेसर यूज होने के कारण ही उनका नाम, उस कंप्यूटर्स का नाम माइक्रो कंप्यूटर रखा गया। माइक्रो कंप्यूटर को फिर जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में फिर उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता था, यह नॉर्मल जनरल पर्पस यूज के लिए भी इसका यूज किया जाता था। और पर्सनल कंप्यूटर का यूज आप देखेंगे कि यह मेनफ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यह क्या होता है, आकार में छोटा होता है और इसे नॉर्मली हम इसका यूज इनपुट आउटपुट के लिए नॉर्मल हम अपने फिंगर से इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज, इसका साइज बहुत छोटा होने के कारण ये बहुत ही पोर्टेबल है और इसका जो रिजल्ट है वह बहुत ही रिलायबल होता है। और देखेंगे कि आजकल जनरल पर्पस के लिए या फिर हम एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर या पर्सनल कंप्यूटर का यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का यूज बहुत ही अधिक होने वाला है आजकल। देखेंगे तो स्कूल्स में, एजुकेशन के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास, अधिकतर सभी के पास आजकल पर्सनल कंप्यूटर होंगे। आजकल देखेंगे कि डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं या फिर बोलेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वह सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर है। ये सामान्यतः प्रयोग होने वाले कैटेगरी में आते हैं। इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका यूज हम पर्सनल वर्क के लिए भी कर सकते हैं। पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसे पर्सनल वर्क के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं किए जाते थे, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर बना उसके आकार में छोटा हुआ वो, और उसके उसके जो स्पीड थी, प्रोसेसिंग स्पीड थी, वह भी हाई होती गई। तो यह सारे टेक्नोलॉजी और उसके जो फीचर्स में चेंजेस आते गए जिसके कारण यह बहुत ही पॉपुलर हुआ। और पॉपुलर होने के कारण इसे सभी अपने डेली लाइफ के लिए यूज करने लगे। और ये एक छोटे से ब्रीफकेस में भी आ जाता है, तो इसका यूज
और इसकी जो उसको जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसका यूज उसका रंग भी बढ़ने लगा। और ये आकार में छोटे होने के कारण माइक्रो कंप्यूटर कहलाया, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर घरों और ऑफिस और स्कूल्स आदि में यूज होने लगे, और इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें हम अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, इसे बिजनेस फील्ड में भी यूज किया जा सकता है। इसमें फाइल्स जनरेट कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर हम मूवी देखने के लिए, ये सारे फीचर्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में लेकिन एक ही सीपीयू लगा होता है, और इसे हम इसका यूज बहुत ही वाइडली हो रहा है, और इस कंप्यूटर को बिजनेस में यूज होने के कारण और छोटा होने के कारण यह आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। इसके द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग और फाइल मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी जो वर्क स्पीड होती है और जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वह दोनों के कंपेयर में हो सकते हैं कि इसमें भी ज्यादा होती है। और ये क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, और सिंगल इसमें सीपीयू लगा होता है। ये मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, इसमें हम एक समय पे बहुत ही टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम सॉन्ग लिसनिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, तो ऐसे दो से अधिक टास्क हम एक समय में परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।